Assalamu alaikum, dear student, and welcome to new semester. The purpose of this orientation session is to make you familiar with the course strategic management, to see and discuss the composition of strategic management course and how we will take it in this semester, and what are my expectations from you as student. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी. आई एम मरियम तनवीर कुरैशी. आई हैव डन माई एम बी आई टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. Then I did my MS from University of Management and Technology, and I am working with Virtual University of Pakistan for last 10 years. अब हम कोर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि हम कोर्स में क्या कुछ पढ़ेंगे. हमने इस कोर्स को बेसिकली 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है. हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक इवेल्यूएशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. और फिर आखिर में हम कुछ करंट इश्यूज़ देखेंगे जो थ्रेटिकली और प्रैक्टिकली हम इस वक्त स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फेस करते हैं. इस कोर्स की कॉम्पोजिशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर वन इज़ द कोर्स मॉड्यूल एंड नंबर टू इज़ द इंटरैक्टिव सेशन. कोर्स मॉड्यूल्स हमारे पास एक सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर कुछ कोर्स पैक्स होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. कोर्स पैक्स में जो कंटेंट होगा वो आपको आपका मेंटर प्रोवाइड करेगा. वो मटेरियल एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंपोज किया जाएगा और वो दूसरे कोर्स पैक से बिल्कुल डिफरेंट होगा. एक कोर्स पैक किसी दूसरे कोर्स पैक का प्रीरिक्विजिट होगा, लेकिन वो दोनों आपस में उनके कॉन्टेंट बिल्कुल डिफरेंट होंगे. सो दिस इज़ एडवाइज्ड, स्ट्रांगली एडवाइज एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यू कि आप इसको हर कोर्स पैक को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको नेक्स्ट कोर्स पैक पे जंप करने से पहले पूरी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग लें. इसके बाद हमारे कोर्स की कॉम्पोजिशन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ इंटरैक्टिव सेशन. हम कुछ इंटरैक्टिव सेशन स्टूडेंट के साथ रखेंगे जिसमें जो कुछ मैंडेटरी होंगे और उसमें से कुछ ऑप्शनल होंगे. ये ऑप्शनल और मैंडेटरी सेशंस आपको पहले बता दिए जाएंगे कि विच सेशन इज़ मैंडेटरी एंड विच इज़ ऑप्शनल. लेकिन आपको कोर्स पैक पढ़ने के बाद उन सेशंस को लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इससे हम एक कोर्स को अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं. असाइनमेंट को हम एज नॉलेज एनहैंसमेंट टूल यूज़ करेंगे. नॉलेज एनहैंसमेंट टूल से मेरी मुराद है कि हम आपको ऐसी असाइनमेंट दें जिससे आप अपने जो मॉड्यूल्स में आप अपना नॉलेज गेन करेंगे उसको आप इन्हेंस किस तरह से कर सकते हैं. इसके लिए हम मल्टीपल काइंड ऑफ असाइनमेंट्स भेजेंगे जिसमें केस स्टडीज़ हैं, मोनोग्राफ्स हैं, वर्कबुक असाइनमेंट्स हैं, पीयर रिव्यू है. हम जिस किस्म की असाइनमेंट आपको मिलेगी उसको पहले आपको बता दिया जाएगा. इसके अलावा हमारी कुछ ग्रुप प्रेजेंटेशंस होंगी. इन ग्रुप प्रेजेंटेशंस में आपको ग्रुप खुद एलोकेट किया जाएगा. मैं आपको ग्रुप एलोकेट करूँगी, आपको रीडिंग्स एलोकेट करूँगी और आपको पर्टिकुलर डेज बताए जाएंगे जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपने ही पीयर को प्रेजेंटेशंस देंगे थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. वो मीडियम भी हम डिसाइड करके बताएंगे आपको. इसके अलावा कुछ क्रेडिट डिस्कशन और टीम डिस्कशन बोर्ड्स हम ओपन करेंगे जिनका पर्पज़ ये होगा कि आपको अपने ही किसी टॉपिक पर क्रिटिकल थिंकिंग की का मौका दिया जाए और आपको ये बताया जाए कि आप अपने टॉपिक पे कितनी ग्रिप रखते हैं. इसके बाद हमारे पास पेपर्स हैं. पेपर्स नॉलेज असेसमेंट टूल के तौर पर यूज़ होते हैं. नॉलेज असेसमेंट टूल से हमारी मुराद है कि आपने थ्रू आउट सेमेस्टर में जितना कुछ पढ़ा उसको हम किस तरीके से आप इवेलुएट करेंगे. सो आपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने तमाम मॉड्यूल्स को थॉरली पढ़ाओ, उस पर डिस्कशन की हो और अपने टीचर के साथ मुस्तकिल आप इंटरेक्टिव सेशंस में आते रहें, वहाँ पर आते रहें. इन पेपर्स में गुड ग्रेड्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लॉजिक्स हो, अपनी कोई भी बात को बयान करने के लिए लॉजिक हो और उस लॉजिक को डिफेंड करने के लिए आपका एक कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए. की टू सक्सेस इन दिस सब्जेक्ट इज़ आप कोर्स पे प्रॉपर ध्यान दें, इसके कंटेंट्स को पढ़ें और टीचर के साथ इंटरेक्ट करें और अपने पीयर के साथ डिस्कशंस क्रिएट करें. आप मुझे फर्दर ईमेल कर सकते हैं कोई भी क्वेरीज हो या MDB यूज़ कर सकते हैं. मेरा ईमेल एड्रेस mgt703@vu.edu.pk है. इसके अलावा आपने MDBs को और ईमेल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है.
MDBs हमारे वहाँ पर यूज़ होंगे जहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो. ईमेल्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपका अपने पर्सनल इशू इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आए. थैंक यू सो वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर.